उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा के राजीव भवन में शिलान्यास व वितरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निराश्रित लोगों को 300 आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत देने के लिए 10 लोगों को आवास पत्र वितरित किए गए। वहीं विकलांग लोगों के लिए 300 ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया। देखिए मथुरा से हमारे संवाददाता आर के धनकर की एक खास रिपोर्ट। कई योजनाओं का लोकार्पण भी किया, साइकिल ट्राई बांटी है, क्या कहेंगे इस मौके पर? आप हमेशा ऐसा सवाल करते हैं, आप क्या कहेंगे? तो ये क्या कहेंगे, इतनी खुशी का अवसर है मेरे लिए, जो जरूरतमंद लोगों के लिए मैं कुछ काम कर पा रही हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि विकलांग भाइयों बहनों जो हैं उनका मेरा सांसद निधि से ये आज का ये सब लोकार्पण किया है। इसके अलावा पूरा जनपद में बहुत सारे रोड्स बने हैं, उसका भी उद्घाटन आज किया है, जो आज तक मेरे ख्याल में इतना एक साथ में कभी हुआ नहीं है। इतने रोड्स बन रहे हैं, इतने मेरे सांसद निधि से भी ये बन रहा है, तो आप लोगों को बहुत खुश होना चाहिए। कितनी सड़कों का लोकार्पण किया आपने आज? आई थिंक 135 रोड्स का आज किया। आवाज भी दिए गए हैं, कितने आवाज दिए गए? आवाज कितना? 10 आवास। नहीं, 10 तो आपने अपने हाथ से बांटे, बाकी लोगों को नहीं। 300 300 और जिसमें से सिर्फ 10 को दिया हाथ में मैंने, बाकी ये लोग करेंगे। लेकिन यहाँ आने में थोड़ा सा लेट हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बोला भी था मैंने उनसे, नरेंद्र मोदी जी से कहा आपने इतना अच्छा वाराणसी को किया, मथुरा का ऐसे करके दीजिए, तो जल्द से जल्द करने वाले कर रहे हैं, क्योंकि गंगा का सफाई तो हो रहा है, गंगा स्वच्छ अभियान चल रहा है, मालूम है ना आप लोगों को? बहुत अच्छा हो गया, गंगा में इतना शुद्ध है अभी, वेरी वेरी क्वाइट क्लीन वाराणसी और प्रयागराज में। और मैं अभी यहाँ मथुरा में भी यमुना का भी सफाई करने के लिए 3-4 प्लांट्स लगाया है हमारे नितिन गडकरी जी ने, और बहुत अच्छा साफ सब हो रहा है। अभी इट विल टेक टाइम, क्योंकि आज तक किसी ने जो नहीं किया हमारे आजादी के बाद, अभी शुरू किया है हमारी पार्टी ने, तो आप लोगों को बहुत ही हमारा साथ देना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और दिख भी रहा है। बीइंग हेमा मालिनी, आप बहुत लोगों से नहीं मिल पाती हैं, लोगों के मन में कहीं टीस रहती है कि अपने सांसद से नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए आपने आगे कुछ सोचा है? ऐसा थोड़ी, मैं घर घर थोड़ी जाऊंगी सबको मिलने के, ये तो किसी भी सांसद का ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मेरा घर है इधर, मेरा ऑफिस है, कोई भी आ जाए, मिलने का अगर मन है तो जरूर मिल सकते हैं, सिर्फ बातें करने से नहीं होता है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।